जाफरान द मेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्लॉसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। द मेगा मार्ट जाफरान। आप जाफरान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल। फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम मुम्बरा प्रभाग समिति पर, और आपको बता दें कि एक मैरिज सर्टिफिकेट का मामला आज सामने आया है, जिसका नाम है, महिला का नाम है सबा अजीज खान, जिसकी एक महीना पहले जलगांव में शादी हो चुकी थी, जो मुम्बरा के अमृत नगर की रहने वाली थी, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट के लिए उसे मुम्बरा के प्रभाग समिति में जो है चक्कर महीनों से लगवाए जा रहे थे, और हर जो है 2-4 दिन के बाद उन्हें बुलाया जा रहा था, लेकिन आखिरकार महिला आजीज आकर जो है विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान से मुलाकात की, और आज जो है शानू पठान ने मुम्बरा प्रभाग समिति के जो क्लर्क था उससे जो है मुलाकात की। आखिर महिला को जो है मैरिज सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा था? हालांकि जो क्लर्क है उसका कहना था कि जो है यहाँ का इंटरनेट सेवा जो है वो बेहद ही डाउन चल रहा है, और 3-4 दिन से ये समस्या यहाँ पर हो रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर महिला महीनों से जो है मुम्बरा प्रभाग समिति के चक्कर लगा रही थी और उसके बावजूद भी जो है उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। और जिस तरह से ये बात भी सामने आ रही है कि मुम्बरा प्रभाग समिति में जानकारी के मुताबिक जो विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान है, उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ दलाल भी ऐसे मौजूद हैं जो पैसे लेकर यहाँ पर काम करते हैं। 4,000-5,000 रुपये की डिमांड रखी जाती है, और भरसक ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि क्लर्क और दलालों के बीच में एक मिलीभगत होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है उन्हें फिर उनका काम पूरा होता है। लेकिन जिस तरह से आज अशरफ शानू पठान ने इस यहाँ मुम्बरा प्रभाग समिति के कार्यालय पर यहाँ पर पहुँचे और क्लर्क से बातचीत की, वो उल्टे ही अपने दांव पेच में क्लर्क फंसते हुए नजर आए। जो इंटरनेट सेवा जो जिस तरह से स्लो है, डाउन है, उसको लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या यहाँ की जो इंटरनेट सेवा है ये क्लर्क खुद डाउन किए हुए हैं, या फिर जो हेड ऑफिस से ही इंटरनेट सेवा डाउन है, इस पर भी सवाल बना हुआ है। बहरहाल जो महिला है उससे भी हमने बातचीत की है, वो भी आपको सुनाएंगे, और शानू पठान ने भी क्या कुछ जानकारी दी है वो भी सुनाएंगे। लेकिन जो महिला है उसको बहरहाल ऑफलाइन जो है मैरिज सर्टिफिकेट बनाकर अब दिया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन शानू पठान का कहना है कि वो इस तमाम मुद्दों को लेकर जो है आगे जो है कार्रवाई कराएंगे। आखिर कौन कौन से अधिकारी हैं, कौन कौन से यहाँ पर दलाल हैं जिनकी मिली भगत की वजह से इन सब चीज़ों को यहाँ पर अंजाम दिया जाता है, इस पूरे मामले में शानू पठान ने क्या कुछ कहा है? 12 तारीख ला इनकी टिकट है, कितनी वाला 12 अप्रैल बरोबर यांची टिकट होती, तुम्ही सांगितलं होतं 11 वाजता तिकीट आता कॅन्सल केली, ऐका ना तिकीट कॅन्सल केली, किती पैसे गेले? 1500 रुपये कोण भरणार? बरोबर द्या मला, महापालिका आत्मा द्या, पैसे कोण देणार? मी काय बोलतो थांबून दे, आपली चूक आहे, महापालिकाचं चूक आहे, प्रभाग समिती चूक आहे, 1500 रुपये द्या, द्या कोण? इंटरनेट इंटरनेट त्यांना बोला, पैसे द्या पब्लिकच्या। तुम्ही फोन लावा प्रभाग समिती अध्यक्ष, थानाला फोन लाव, यांचे 1500 रुपये जे बेकार गेलेत, आमचे बदल, आमचे महापालिकेने बदल केले, मुंबई प्रभाग समिती चुके, पैसा द्या रिटर्न, हे तिकीट चे ते जे तुमचा बोलला, हे बनवला सगळं मी लावतो बरोबर, नाही इकडचं खूप कंप्लेंट मॅरेज सर्टिफिकेट लाव, खूप कंप्लेंट लाव, पिछे लाव, चढणार नाही लाव, खाली ते मॅरेज पब्लिकचे पैसे काय? पब्लिकचे पैसे तर काय किंमत नाही येत नव्हतं ना, द्या प्रिंटेक कंपनीला बोला त्याला पैसे द्या, आत्ता पैसे पाहिजे, आत्ता पैसे पाहिजे, पैसे पाहिजे 1500 रुपये
द्या तुमच्या ऑफिसरचे पगार मध्ये तुमचं काय दोन मानधन मिळते त्याचा द्या. काय पब्लिकचे पैसे तर किंमत नाही म्हणजे आणि वेळाची किंमत नाही. एक महिन्यापासून पाच दिवस ते पाच वर तिथे आलेत म्हणजे काय ते काय चाललं. अरे काय चाललं भाई मी काय बोलतो ह्यांच्या वेळ पण गेला त्यांचे पैसे पण गेले. तुझं सुख नाहीये मी बोलतो तुझ्या तुझ्यावर घे मत. काय बोलतो प्रभाग समिती ते मुंब्रा प्रभाग समिती चूक आहे हेड ऑफिस ते चूक आहे कंपनी इंटेक्ट कंपनीचे ज्यांच्या नेट आहेत त्यांची चूक आहे ना. घेऊन घ्या ते बोर्डवर यांचे पैसे काय ते नुकसान आहेत कोण देणार यांचे पैसे घ्या. एक महिन्यापासून ते वारंवारीचे चक्कर मारत बरोबर पाच 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 वेळे ते आले. आता काय सांगितलंय ना सुरू नाही येणार कधीपासून सुरू होणार मला माहित नाही हे यांनी सांगितलं. आणि ह्यांची 1500 रुपयाची ट्रेनची तिकीट होती 12 तारीख बरोबर आज 12 अप्रैल टुडे इज 12 त्यांची ट्रेन गेली 1500 रुपयाची तिकीट गेली. कोण देणार पैसे द्या द्या लाव फोन सुरू करा. तुझ्या माझ्या काही बंद संबंध तू हेड ऑफिसला फोन लाव हे सर्व्हिस कोणाची इंटॅक्ट रद्द करा त्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट द्या पैसा पब्लिकच्या जे पब्लिक इथं वारंवार तक्रार करतील ज्यांच्या चूक आहे तुमची ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसची कंपनी तुमची टेंडर रद्द करा. ते कॉन्ट्रॅक्टर मजे करतात आणि पब्लिक इथे वारंवार तक्रार करतात फिरतात काय. आणि तुम्ही बोलतात कुठे होणार कधी होणार. अरे म्हणजे काय अरे म्हणजे काय काय चाललंय बाबा. मी काय बोलतोय गलत बोला चाचा काय बोला चाचा बोला काय बोला एक मिनिट बोला तर मी तेच सांगणार ना जर तुमचे मी पीएमसी के अधिकारी काय बोला एक महिन्याचं बोललोच नाही यांनी सांगितलं एक महिन्यापासून एक महिना बोललोच नाही आपण बोला मेरे सामने बोला मी काय बोलतो लोक फिरणार मी काय पण करणार करतो सर. मी काय बोलतो लगेच करून घेतो येतो फोन लावा लावा फोन कुठे कोण कंपनी तर लावा कोण स्वरूप कुलकर्णी हा लावा फोन मला स्पष्टीकरण पाहिजे नाही पब्लिक एक महिन्यात तुमचा वारंवार येतात फिरतात. एक महिना झाला ना किती गाजा मला भाऊ सर मला बोला एज पर नियम एज पर ऍक्ट किती दिवस मध्ये ह्यांना सर्टिफिकेट पाहिजे. त्यांनी जर कागदपत्रांची पूर्तता केली किती दिवस 3 दिवसामध्ये आम्ही किती दिवस झाला कागदपत्रांची पूर्तता होऊन आपण डॉक्युमेंट हे मला बोलायचं तुम्ही सांगा मी हेड ऑफिस ला राहणार तुम्ही सांगा काय कोण एक महिन्यापासून होईल का ते काम नेटचं होईल ना हेड ऑफिस मध्ये राहणार मी कुठे ते हेड ऑफिस इथे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कुठे कुठे किती मला बेसमेंट ते काय बोलतो मला सांगितले त्याचं मी बोलू काय व्यवस्थित काय तुम्हाला माहित आहे मी बोलतो तर बोलायचं मी काय बोलू मी सुना मी काय बोलतो तुम्हाला सर हे काय करतात मालूम आहे इथे आपले कर्मचारी इनको महिनेभर दौडाते बाहेर एक दलाल आहे 3000 रुपये दो 2 दिन में सर्टिफिकेट. और सुनो सर मैं अपने कर्मचारियों की नौकरी नहीं खाना चाहता हूँ घर पे भिजाना पड़ेगा आप अपने हिसाब से कार्रवाई कर लीजिए नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम होगा. मैं बोल रहा हूँ दूसरी बार इसके ऊपर कौन संबंधित अधिकारी कौन इस पर कार्रवाई करने वाला हो बताओ काय सलत है कहते तुम्हारा काय सलत 3000 रुपये दिया 4000 रुपये चार्ज है. अरे क्या मृत्यु मानुष मृत्यु हुई डेथ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट है काय. अरे ते बघा ना तुम्ही 1500 रुपये गेले ना तिकीटचे कुठे ते हे बघा 1500 रुपये कोण देणार सर गरीब माणसं लॉकडाऊन मध्ये काय खाईचा पैसा नाही. सर क्या मामला था यहाँ पर प्रभाग समिति में आप आए थे जो मेरी सर्टिफिकेट है इसको लेकर क्या हो. मुंब्रा प्रभाग समिति के अंतर्गत मैरिज सर्टिफिकेट को लेके डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट को लेके बहुत परेशानियां लोगों को की जा रही है. जबकि ऑनलाइन सेवा मीन्स क्या है. ऑनलाइन सेवा मीन्स एक तरफ बोला जाता है हमको ईजी टू यूज़ मतलब ईजी टू यूज़ का यहाँ पे हार्ड टू यूज़ हो गया फास्ट स्पीड या वेरी स्लो
ऑनलाइन सेवा को मुमरा प्रभाग समिति उल्टा ही मैनेज करके रखी। इसी ने जो मैनेज मुमरा प्रभाग समिति ने उल्टा किए उसका मैंने उनके सामने बैनर लगाया। और पब्लिक का जो आज जो एक एक महिला थी, एक आपा थी, उनको एक महीने से यहाँ पे चक्कर खिलाया जा रहा है। और उसको आज तो उनको 11:30 बजे बोला था हमको आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, लेकिन उसकी ट्रेन चले गई, 1500 रुपये उनका टिकट का ज़ाया हो गया, उनको मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिला। और उनका कलीग आपस में बात करते हैं, बोले एक महीने से ऑनलाइन सेवा बने, तुझे मालूम नहीं? मतलब ये है कि तुमको अगर सर्टिफिकेट फास्ट चाहिए ऑनलाइन होने के बावजूद, सारे डॉक्यूमेंट्स के होने के बावजूद, तो मुमरा प्रभाग समिति के डिपार्टमेंट के कुछ दलाल बाहर बैठे, वो 4000 रुपये लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट देंगे। मैंने आज यहाँ के डिपार्टमेंट को आके बोला हूँ, इससे पहले भी बोला था और आज भी बोला, और उनको रंगे हाथों मैंने यहाँ पर ला के पकड़ाया हूँ। अगर ये व्यवस्था बंद नहीं हुई तो उन अधिकारियों को मैं खुद राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से उनको मुंह पे इंक मारूंगा, कालक पोतूंगा। और दूसरा, ये जितने भी अधिकारी बैठे सालों से, उनका अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो हेड ऑफिस में इस डिपार्टमेंट के बाहर जाके बैठूंगा। आज ये मैंने स्पष्ट कहा हूँ। मतलब एक तरफ आप जनता और बेचारी पब्लिक को महीनों तक दौड़ा रहे, और दूसरी तरफ उनके पुराने डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद आप कभी बोलते ऑनलाइन सेवा बंद है, नेट चालू नहीं, तो उनकी गलती है, हमारा आप महापालिका की गलती है? आप चक्करें खिला रहे हो, उनके पैसे ज़ाया हो रहे, और ऊपर से आपके कुछ दलाल बाहर बैठे। तो ये सिस्टम को अगर मुमरा प्रभाग समिति ने और कहीं भी बंद नहीं किया तो थाने के कई महानगर पालिकाओं के केंद्र में ये चालू है। ऐसी धांधली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई महानगर पालिका ने नहीं की तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी डॉक्टर जितेंद्र आवाज के मार्गदर्शन में अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। आज जो मसला था हल हुआ क्यों? आज जो मसला था उन्होंने उनको बिठा के रखा है, उनको बोला हम सर्टिफिकेट देते, लेकिन मसला हल हो गया तो उनका क्या हो गया? उनकी टिकट तो ज़ाया हो गई, उनका एक महीने से वक्त तो ज़ाया हो रहा है। ऐसे अधिकारियों के ऊपर प्रशासन क्या कार्रवाई करने वाला है, मैं इसकी हेड ऑफिस के पास, कमिश्नर के पास जा रहा हूँ, मैं वो देखना चाहता हूँ प्रशासन इस पर गंभीरता से है कि नहीं, नहीं तो हमको हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास इसके ऊपर बैठना पड़ेगा। ये यहाँ से नहीं सुधरेंगे, इनके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट उस जाके मैं उनके कैबिन के बाहर बैठूंगा और कार्रवाई करा के रहूंगा। अच्छा, जो दलाल यहाँ पर है और जो दलालों से मिले हुए यहाँ के कर्मचारी हैं उनके ऊपर किस तरह से? मेरी जनता से आपके द्वारा अपील है, मोतोबाना तरीके से उनसे गुजारिश है कि आप मुझसे संपर्क करें, चुपचाप एक दो लोग ऐसे मुझे बता दे, मैं उनको मुमरा कौसा के अंदर मुंह पे कालक लगा के घुमाऊंगा। मैं मुमरा कौसा की जनता के सामने उनका उजागर करूंगा असली चेहरा, कि आप मैयत पे किसी का पैसा मांगते, आप डेथ सर्टिफिकेट पे मांगते, मैरिज सर्टिफिकेट पे लोगों को परेशान किया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स के बाद, ये कोई तरीका नहीं। आदमी खुशी से कुछ ना कुछ अपनी खुशी से खुद दे देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे डिमांड करके और एक एक महीने तक सर्वर डाउन रखें और उनको दौड़ाएं, ये नहीं चलेगा। शानू भाई, ये जो नेट बंद है आज महानगर पालिका का, इंटेक नेट, ये तो कब चालू होएगा कुछ आइडिया? ये मैं यहाँ से मुमरा प्रभाग, अभी ये जो फैमिली थी, जो आपा थे, उनको बिठाया गया है तो उनका मसले का हल तो कहीं दिख नहीं रहा है। उन्होंने अभी उन्होंने कहा तो वो देंगे नहीं सर्टिफिकेट, उन्होंने अभी कहा कि मैं उनको आज सर्टिफिकेट देता हूँ, लेकिन मैं ये जो डिपार्टमेंट है ऑनलाइन देंगे, ये मैं जो इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मैं उनको उधर लेके जा रहा हूँ और वहाँ जाके इसके ऊपर इन कार्रवाई की मांग करूँगा। और जो कंपनी नेट है वो क्यों चालू नहीं किया जा रहा है? यहाँ से तो बंद नहीं है, अधिकारी यहाँ से तो बंद नहीं कर रहे शरारत के लिए, करप्शन बंद, करप्शन हो, पैसे के लिए मांगने के लिए, तो ये महीने एक महीने से बंद नहीं किया गया है। ये सारी जानकारी मुझे हेड ऑफिस से मिलेगी, इसीलिए मैं सीधा यहाँ से हेड ऑफिस जा रहा हूँ। और इन जो ऑफिसर हो, अगर इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है और अगर नेट वहाँ से शुरू है तो इन सारे अधिकारियों को हम बदली करके ही रहेंगे। कितने दिन से आप लोगों को दौड़ाया जा रहा है? मैं तकरीबन एक महीने से तो आ ही जा रही हूँ। क्या बोला जा रहा था यहाँ पे? पहले तो डॉक्यूमेंट के लिए कुछ प्रॉपर बताया नहीं कि डॉक्यूमेंट क्या लेना है, क्या प्रोसेस है, कैसा है, उसके लिए बहुत दौड़ा है। 5-6 दिन तो उसके पीछे ही कंटिन्यूसली हम लोग आए गए। कहाँ से आते हो? मैं तो जलगांव में शादी करके गई हूँ, वहाँ से आती जाती हूँ। एक बारी में कुछ कोई बता कुछ प्रॉपर बताया नहीं, कुछ भी लोगे ना के बाद प्रोसेस हमको बता दो तो एक बारी में कोई अपनी सुनवाई लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता, वो भी कैंसिल करनी पड़ी मेरे को। पैसे जा रहे वो अलग, लॉकडाउन है, इंसान कोरोना के कोई भी सही से जवाब दे नहीं रहा, आज का भी तो कुछ प्रॉपर जवाब दे दिया ना, इंटरनेट कब चलेगा, कुछ नहीं हुआ काम, कुछ भी नहीं। कोरोना ऐसे दौर में हम लोग जलगांव से यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी जान हथेली पर लेकर, अगर कुछ कब ज्यादा होगा तो ये जिम्मेदार है कि हम लोग के।
तो अभी शानू भाई यहाँ पर आए थे, आप लोगों से जय क्लर के पास बातचीत भी हुई, इस दौरान अभी क्या कहा गया है आपसे? अभी उन्होंने बोले बता रहे, बोले ऑफलाइन बता। आप कितने दिनों से रखे खा रहे हैं? मैं तो एक महीने से, एक दो महीने से। अपॉइंटमेंट की डेट भी 40 दिन के बाद की मिली, एक महीने का बोला 40 दिन के बाद की डेट है। काम के पीछे दौड़े लगे। पैसे वैसे की भी डिमांड की गई? नहीं नहीं, कुछ डिमांड नहीं।